हाय फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का फिर से वेलकम है चैनल में। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक एंड कमेंट किया। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड, जैसे आप सभी को पता है कि 29 फेब फ्रेंड लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का आरटीई का। तो फ्रेंड, अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है अपने बच्चों के लिए आरटीई के एडमिशन के लिए, तो फ्रेंड अभी अपना बच्चों का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 29 फेब के बाद फ्रेंड ये ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया उसको आगे क्या करना है फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड, उनको किस तरह पता चलेगा कि उनके बच्चों का एडमिशन हुआ है कि नहीं, सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, उनका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, क्या है फ्रेंड, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड मैं आज की वीडियो आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंड, अगर आपने जो सेल फोन नंबर अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है, वो सेल फोन नंबर आपको हमेशा चालू रखना है, उस पर रिचार्ज कर रखना है कि उस पर फ्रेंड मैसेज आना बंद ना हो। और फ्रेंड, जैसे भी अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, अप्रूव होता है, तो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका मैसेज कंटिन्यू ड्रॉप होता रहेगा। आपको मैसेज रीड करना है और आपको कंटिन्यू मैसेज देखते रहना, तो उससे फ्रेंड आपको क्या होगा, जो भी मैसेज आप देखते रहोगे फ्रेंड, आपको उसमें पता चलेगा कि आपके बच्चों का जो फॉर्म आपने फिलअप किया था वो रिजेक्ट हुआ है या सेलेक्ट हुआ है। ओके, तो फ्रेंड जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे फ्रेंड, उसमें आपको हर एक चीज़ पता चल जाता फ्रेंड। उसके बाद आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, उसके बाद जैसे आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पे आओगे, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है ऑनलाइन पोर्टल की, वहाँ पे क्लिक करिए, इस वेबसाइट पे आ जाओगे। जैसे फ्रेंड आप इस वेबसाइट पे आओगे फ्रेंड, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको इधर सेलेक्टेड का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेलेक्टेड पर क्लिक करना है। और सेलेक्टेड पर क्लिक करना है फ्रेंड, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, राउंड वन सेलेक्ट करना। उसके बाद फ्रेंड आपके बच्चों का जो लक्की ड्रॉ में लिस्ट में नाम लगा है या नहीं लगा फ्रेंड, आपको यहाँ पता चल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड आप यहाँ से हेल्प सेंटर में भी कांटेक्ट कर सकते हो, हेल्प सेंटर में भी आपको पूरा हेल्प मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके, तो आपको बरोबर तरीके से हेल्प करेंगे कि फ्रेंड आपके बच्चों का क्या प्रोसेस है, आपको जो भी पूछना आप वहाँ पूछ सकते हो और फ्रेंड आपको पूरा हेल्प मिलेगा। फ्रेंड आपको यहाँ स्कूल के नाम, आपके नियर बाय जो स्कूल है वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है फ्रेंड, आपको लैंडलाइन नंबर सब मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी आप पूरी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो फिर फ्रेंड आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपको ध्यान देना है आपके मैसेज पे। अगर आपको कंटिन्यू मैसेज पे आप ध्यान दोगे तो फ्रेंड आपको पूरा रेगुलर बेस पे अपडेट मिलता रहेगा आपके मैसेज के थ्रू। और जब लक्की ड्रॉ निकलेगा फ्रेंड, तो आपको इधर हेल्पलाइन नंबर इधर सेलेक्ट है, नॉन सेलेक्ट पर भी आपको मिल जाएगा कि आपके बच्चों का जो लक्की ड्रॉ में नाम लगा है या नहीं लगा है। ओके, तो फ्रेंड जैसे अपने बच्चों का नाम लग जाएगा लॉटरी में, तो फ्रेंड आपको यहाँ वेरिफिकेशन कमेटी होगी, आपके बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद आपको जो एडमिशन है बच्चों का वो अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। ओके, तो फ्रेंड ये प्रोसीजर, इसके आगे एडमिशन का मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बना के बताता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा और मैं आपको पूरा हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।